अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। अच्छा जी, आज डेल्फा की जो है ना ओपनिंग हो चुकी है बकायदा। हम लोग पहुंच चुके हैं, उज़ैर भाई गाड़ी पार्क कर रहे थे, उज़ैर भाई आ गए। अभी अंदर चलते हैं, अंदर चल के आपको दिखाते हैं अंदर का क्या सीन है आज। भाई कुछ तो तैयारियां अभी चल रही हैं यहाँ पे, माशाल्लाह। जी फैसल भाई से आपकी मुलाकात नहीं है, फैसल भाई से आपको मिलवाते हैं। जी फैसल भाई, फैसल भाई क्या हाल है आपका? ये फैसल भाई बड़ी सेलिब्रिटी है, एक अल्लाह का शुक्र। फैसल भाई की डल्फा के बारे में कुछ बताएं। डल्फा में कट्टू वट्टू माल भी आया है, वो ये कट्टू किस्म का सही है। और क्या नाम है, हमारा माल जो है वो तो सोना है समझो। बिल्कुल, सुबह हमने ब्लॉग बनाया उसका। जिस पट्टी में घूम रहे उधर माल अच्छा नहीं है, अब जहाँ आपको लेके जाएंगे वहाँ पे माल की जो है ना वो कदर और कीमत है। बिल्कुल ऐसा ही है फैसल भाई। चलें जी, चलते हैं, अपना माल दिखाएंगे आपको। बाकी ये सबके स्टॉल वगैरह यहाँ पे लगे हुए हैं, अभी थोड़ी देर में आपको दिखाएंगे हर कैटल फार्म का अलग अलग माल जो है ना। अभी इसकी ओपनिंग पता नहीं हुई है या नहीं हुई, तो वो आपको सारी अपडेट अभी देते हैं। देखा भाई, उसको ये गाड़ी भी गिफ्ट मिलेगी, चेक करें। माशाल्लाह रौनक जो है ना लग चुकी है, सब ने अपना माल जो है ना यहाँ पे पहुँचा दिया हुआ है। बाकी रात को जब यहाँ पे लाइटिंग होगी ना, तब जो है ना ये बहुत बेहतरीन लगेगा। अभी यहाँ पे काफ़ी फैमिलीज भी आई हुई हैं और बहुत जो है ना यहाँ पे डेटें शेटें भी आई हुई हैं, ये चेक कर। तो यहाँ पे जो है ना काफ़ी अभी माहौल बनने वाला है, रात में सही मज़े का माहौल बनेगा। उज़ैर भाई का शॉल, ये चेक करें, माशाल्लाह बड़े ज़बरदस्त बछड़े हैं। ये है जी कौन सा कैटल फार्म है, शान कैटल फार्म के बछड़े हैं ये, माशाल्लाह। चेक करें जी माल की कैट वॉक करवाई जा रही है यहाँ भी, और जो फैमिलीज हैं वो फुल इनसे इंटरटेन हो रही हैं। उदयर भाई के स्टॉल पे भी जो है ना रश लगा हुआ है। बाकी अभी कस्टमर जो है ना काफ़ी कम है, मतलब कस्टमर से मुराद के जो मतलब के शौकीन नज़र आते हैं अभी बहुत कम है। अभी यहाँ पे आएंगे तो अभी थोड़ी सी गर्मी भी है, थोड़ी सी रात होगी तो फिर जो है ना काफ़ी सारे लोग यहाँ पे आएंगे विज़िट करने के लिए। अच्छा जी, मानी भाई का स्टॉल भी यहाँ पे है, वहाँ पे चल के देखते हैं यार मानी भाई हमें मिलते हैं यहाँ पे कि नहीं मिलते। अगर मिलेंगे तो उनसे आज हमने शर्टें लेनी है ज़रूर। अभी तक नज़र तो नहीं आ रहे मानी भाई। ये जी मानी भाई का स्टॉल है, ये बछड़े चेक करें तो माशाल्लाह ये बहुत ज़बरदस्त बछड़े हैं। अभी तक जो है ना सबसे हाइट वाले बछड़े जो है ना यही नज़र आए हैं, एक लाल कलर के अंदर एक सावे कलर के अंदर, माशाल्लाह बहुत बड़े बछड़े हैं। ये कौन से कैटल फार्म के हैं, TS कैटल फार्म के जी ये बछड़े हैं, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत बछड़े हैं और बहुत अच्छी पलाई की गई है माशाल्लाह। ये एक बछड़ी भी पीछे इनकी खड़ी है, गैनी है ये, गैनी। भाई साहब फाइनली जो है ना मैदान सज चुका है, तो यहाँ पे भी माहौल बना हुआ है, इस तरफ भी माहौल बना हुआ है। ये सारे कैटल फार्म के डिस्प्ले यहाँ पे लगे हुए हैं, सब ने अपने अपने जानवर जो है ना मज़े मज़े के जानवर यहाँ पे डिस्प्ले किए हुए हैं। ये है जी सचवानी कैटल फार्म, माशाल्लाह यार एक से बढ़ के एक जो है ना जानवर यहाँ पे खड़े हुए हैं, सब ने अच्छी खूब मेहनत की है। ये ट्रेंस कैटल फार्म है कोई, इस तरह से करके ये उनका माल है माशाल्लाह, हैवी बछड़े हैं। सब फार्मर के एक से बढ़ के एक बछड़े हैं, सब के माशाल्लाह बछड़े बहुत अच्छे हैं, किसी को भी हम बुरा नहीं कह सकते। बाकी आप व्यूवर्स को सबसे अच्छे जिसके बछड़े लगें तो उसका नीचे फार्मर का नाम भी लिख के भेजिएगा कि आपको किस फार्मर के अच्छे बछड़े लगे हैं, माशाल्लाह।
ये अजीत होम कैटल फार्म, ये होम कैटल फार्म के जो है ना यहाँ पर जानवर खड़े हुए हैं। अच्छे बछड़े हैं इनके भी कैटल फार्म में, कोई इनका माल यहाँ पे डिस्प्ले हुआ पड़ा है माशाल्लाह। यार वीडियो को जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी किया करें, और नीचे जो है ना कमेंट में भी बताइएगा कि आपको जो है ना किसका माल सबसे अच्छा लगा है। बाकी यहाँ पे भी गोट फार्म है, ये इनके बकरे वगैरह यहाँ पे हैं माशाल्लाह। जियो की बिन नज़ीर कैटल फार्म है, ये इनका डिस्प्ले यहाँ पे लगा हुआ है। इनके बछड़े आपको दिखाते हैं भाइयों को, माशाल्लाह ये इनका माल यहाँ पे खड़ा हुआ है, एक से बढ़ के एक जो है ना बछड़े हैं। मेहरान कैटल फार्म है, ये मेहरान कैटल फार्म है जी, ग्रीन कैटल फार्म में, उस पर डिस्प्ले यहाँ पे लगा हुआ है माशाल्लाह। कैटल फार्म ही है इनके जो है ना, ये बकरों का सेटअप भी है यहाँ पे लगा हुआ है माशाल्लाह। ये मेंढा भी खड़ा हुआ है, खूबसूरत है, ये बकरे हैं इनके नवाबशाही बकरे हैं। यहाँ स्टॉल के ऊपर जो है ना उदयर भाई के कस्टमर खड़े हैं कुछ, तो इनसे पूछते हैं कि इनको कैसे लगे हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम, क्या हाल है जी? ठीक है भाई, आप डल्फा के ऊपर आए हैं, आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। ये बछड़े कैसे लगे हैं आपको? बहुत अच्छे हैं। इनमें से सबसे अच्छा आपको ये वाला? माशाल्लाह जी, ये वाला बछड़ा भाई को सबसे ज्यादा पसंद आया है। तो भाई आपने बाकी भी विजिट किया है, बाकी भी मतलब अच्छे होंगे, आपको सबसे अच्छा कौन सा लगा? सबसे अच्छा तो अभी वो वाला लगा, वो बैसिंग वाला। अच्छा जी, भाई वहाँ पे खड़ा है भाई, हमारी थोड़ी सी बिस्ती भी कर रहे हैं भाई। आप ये कह रहे थे आपको ये वाला अच्छा लगा, सबसे अच्छा मुझे ना। अच्छा, इसमें सबसे अच्छा आपको ये वाला लगा? ये वाला। अच्छा जी, भाई का कहना है कि इनको सबसे अच्छा ये वाला लगा है। ये उदयर भाई के हैं जी बछड़े। उदयर भाई, आपके बछड़े की तारीफ की है, ये भाई को ही है यहाँ पे खड़े हुए थे, हमने इनसे रिव्यू लिया कि इनको कैसा बछड़ा लगा है, तो इस भाई ने ये वाले बछड़े की तारीफ की है कि ये इनको अच्छा लगा। मेहनत है माल के ऊपर, अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत हुई है माशाल्लाह। ये जी लगेगा, उदयर भाई की मेहनत है वाकई में। इसको पालते हुए हमारे को 3 साल हो गए, 3 साल से माशाल्लाह। ये उदयर भाई के पास है बछड़ा, पल रहा है माशाल्लाह, नजर भी आ रहा है। ये दांतों में क्या है? दांतों में अभी 5वां निकाल रहा है। अच्छा जी, अभी 5वां दांत निकाल रहा है माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त। उदयर भाई बहुत अच्छी प्लाई की है माशाल्लाह आपने। भाई ये मनी कैटल फार्म के ऊपर बछड़ा खड़ा हुआ, चेक करें माशाल्लाह, बहुत हैवी प्लाई के अंदर है, अंगस नस्ल का है ये बछड़ा माशाल्लाह। भाई खौफनाक इसका मुंह है, बहुत ज़ालिम बछड़ा है माशाल्लाह। बाकी भी अच्छे खड़े हैं बछड़े, ब्राह्मण बछड़ा माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त है, अच्छी पिलाइयाँ की हुई हैं मानी कैटल फार्म, अच्छे बछड़े हैं मानी कैटल फार्म के ऊपर भी, ये चेक करें माशाल्लाह, अच्छे नग जो है ना मानी कैटल फार्म ने भी देखे हुए, तो मानी कैटल फार्म को भी अच्छे नंबर आप लोगों को देने चाहिए माशाल्लाह। बहुत अच्छा इनका सेटअप है और बहुत अच्छे बछड़े हैं इनकी, अच्छी पिलाइयाँ हैं। तो जी, ये मानी कैटल फार्म के जो ओनर हैं हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है जी? ठीक है आप भाई? ये माशाल्लाह आपके जो है ना बछड़े हमें बहुत पसंद आए हैं, तो हमारा भी यहाँ साथ ही स्टॉल आपके हमसाए हैं, हम भी तो हमें वहाँ से आपके बछड़े नज़र आ रहे थे, तो हमने कहा जाके लाइव देखें बछड़े आपके। माशाल्लाह बहुत अच्छी पिलाइयाँ की हैं आपने, तो इनके बारे में कुछ बताएंगे कि ये दांतों में क्या है? और दांतों में 4 है। अच्छा माशाल्लाह, ये वाला गुलाबी नस्ल है माशाल्लाह, और वो जो पीछे खड़ा हुआ है वो लाल बराबर सही वाला है, वो दांतों में क्या है? दांतों में 6 हो रहा है, दांतों में 6 हो रहा है माशाल्लाह। और ये वाला बछड़ा जो है ये वाला सही माशाल्लाह, बहुत अच्छा बछड़ा माशाल्लाह, हैवी प्लाई के अंदर है ये, कुर्बानी के लिए। तो इंशाल्लाह अगर कोई भाई यहाँ से परचेज भी करना चाहे तो ये भाई से रब्ता कर सकते हैं। 3 से 4 महीने का बछड़ा है माशाल्लाह, इनकी होम ब्रीड का बछड़ा है मानी भाई की माशाल्लाह। एक और विजिटर आए हैं हमारे इधर स्टॉल के ऊपर, माल शाल देख रहे थे, इनसे रिव्यू लेते हैं कि इनको कैसे का लगा माल। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है जी? ठीक है जी। सर जी, आप माल देख रहे थे तो आपको कैसे का लगा हमारा माल? और
बढ़कर एक से बढ़कर एक जो है ना आपने जो है ना नस्ल यहाँ पे जो है ना रखी हुई है माशाल्लाह, और अच्छे तगड़े जानवर हैं आपके माशाल्लाह। तो आपका सर इनमें से कौन सा सबसे अच्छा लगा है? मुझे ये ऑस्ट्रेलियन क्रॉस जो है ये ज्यादा अच्छा लग रहा है। अच्छा, सब जो है ना इसकी ज्यादा तारीफ कर रहे हैं कि सबसे जो है ना यही वाला पसंद आ रहा है माशाल्लाह। थैंक यू सो मच सर, आपने थोड़ा सा अपना अपना टाइम दिया, शुक्रिया। हमारे झंडे अभी आए हैं जो कि लड़का अभी लगा रहा है, देखिए मेरे हाथ में है, ये इस तरफ लगेगा, अभी झंडे लगाते हैं। झंडे लगाने से जो है ना थोड़ी सी खूबसूरती और बढ़ गई है। हाँ हाँ ओके, अब आ जाए इस तरफ। अच्छा जी, हमें बुलाया अभी एक्सपो सेंटर हॉल नंबर 3 में, वहाँ जाके देखते हैं क्या है। गवर्नर सिंह ने भी आना था, शायद वो आए हैं या कुछ और है, अभी चल के देखते हैं। ये पूरी टीम, ये भी किसी न्यूज़ टीम से रिलेटेड है, ये भी वहाँ पे ही जा रही है, वहाँ पे चल के देखते हैं क्या सीन है। अच्छा, यहाँ पे कोई तकरीब चल रही है, बैंड बाजे वाले खड़े हैं, देखते हैं क्या है और हमें यहाँ पे क्यों बुलाया। चेक करें डेल्फा कैटल शो, अभी अंदर चलते हैं, अंदर चल के देखते हैं कि यहाँ पे क्या सीन है। जी फाइनली हम लोग अंदर एंटर हो चुके हैं हॉल नंबर 3 जहाँ पे हमें बुलाया, यहाँ पे चलते हैं अंदर। अशर भाई आगे आगे जा रहे हैं तेजी से, खैर अंदर चल के देखते हैं क्या सीन है। हॉल नंबर 3 के अंदर हम लोग एंटर हो चुके हैं, यहाँ पे शाहिद गवर्नर सिंध हैं जो कि इस तकरीब का इफ्तिताह करेंगे, डल्फा कैटल शो का करें। यहाँ पे फुल मीडिया वीडिया आई हुई है, गवर्नर सिंह जो है ना अभी यहाँ पे इफ्तिताह करेंगे इस तकरीब का। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द थर्ड एडिशन ऑफ डेल्फा एग्जीबिशन एंड कैफे शो। वी आर प्रिविलेज्ड टू वेलकम यू ऑल हियर। स्पीच खत्म हुई है और लोग देखें खाने के ऊपर कैसे टूट पड़े हैं। इस तरफ भी यही हाल है भाई साहब, खाने की तो भूखी है पाकिस्तानी आवाम, चेक करें भाई। देखिए जी, वाम भूखों की तरह यहाँ टूट पड़ी और एक एक बंदे ने अपनी प्लेट इतनी फुल भरी कि मतलब बाकी ये कितने लोग यहाँ पे बैठे हुए थे, किसी को भी कुछ नहीं मिला। जो सिर्फ यहाँ पर पहुँचे हैं उन्होंने ही अपनी प्लेटें फुल की हैं, हाथों में ऐसे गंदे काम किए हैं ना, अजीब भूखे लोग हैं, चेक करें। ये सिर्फ कॉफ़ी और पानी नसीब हुआ है, बाकी जो है ना ये सारी आवाम खा गई है, ऐसे भेड़ियों की तरह पड़े हैं ना, चेक करें। अभी लोग बैठे खा भी रहे हैं और ये बाकी इंतज़ार में खड़े हैं। तो फाइनली यहाँ पे जो वो स्पीच थी और ओपनिंग सेरेमनी थी वो ख़त्म हो चुकी है। यहाँ पे ये स्टॉल लगे हुए जहाँ से जानवरों के खूबसूरती का सामान आपको मिल सकता है। बाकी ये यहाँ पे एग्जीबिशन एक चल रही है जहाँ पे मतलब के मछलियाँ और जो पानी में रहने वाले जानवर हैं वो सब यहाँ पे डिस्प्ले किए गए हैं। गवर्नर सिंह साहब जी अभी यहाँ का विज़िट कर रहे हैं। अच्छा जी, सेरेमनी जो थी उसका टाइम था 2 बजे का, हमें इन्होंने 2 बजे का टाइम दिया था, हम 2 बजे से आके यहाँ पे बैठे हुए हैं, मगर जो है ना अभी ख़त्म हुई है, तकरीबन 6:30 हो रहे हैं। बाकी यहाँ का वेदर चेक करें कराची का, ख़ास तौर पे पंजाब वाले भाई जो हैं वो वेदर देख लें, दिन में जो है ना काफ़ी गर्म होता है, इस टाइम थोड़ा ठंडा ठंडा है। खैर, जो पंजाब से यहाँ पे आए हैं या आना चाहते हैं तो वो गर्म कपड़े में बिल्कुल भी ना ले गए। कल भी एक भाई से बात हुई है, वो कहते हैं मैं गर्म कपड़े ले कर आता, वो ना ले कर आए। फैमिलीज भी आना शुरू हो गई हैं, बच्चों के लिए झूलों का भी इंतज़ाम है, बच्चे भी यहाँ पे आके इंटरटेन हो सकते हैं।